तो चलिए आज हम आपके लिए दिखा रहे हैं ये ट्रेडिशनल दिवाली की स्पेशल स्वीट वन बाइट। यहाँ पर घुघरा इसे बोलते हैं, गुजिया भी बोलते हैं कई जगहों पर। ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी गुजिया है जो आज बन रही है। तब तक हम चलते हैं हमारी स्टफिंग की तरफ। आंटी स्टफिंग करेंगे। गैस की फ्लेम ऑन कर दिया है और एक कढ़ाई ले ली है। तो स्टफिंग के लिए पहले हम घी लेंगे। ये स्टफिंग काफी स्टाइल की होती है। आज मैं रवा का बना रही हूँ। अच्छा, तो दो चम्मच घी डालेंगे। ये घी है, दो चम्मच घी डालेंगे और इसमें आधा कप सूजी डालेंगे। आंटी ये सूजी कोई स्पेसिफिक सूजी है? सूजी एकदम बारीक चाहिए। अच्छा, चिरोटी सूजी, बारीक सूजी। अगर बॉडी वाली है तो आप मिक्सर में थोड़ा ग्राइंड करके छोटी कर लीजिए, पर सूजी इसमें बारीक चाहिए। तो आधी कटोरी सूजी डालेंगे। ये बहुत सारे बनते हैं थोड़ी स्टफिंग में। थोड़ा इसको हिलाएंगे और इसमें ज्यादा घी की जरूरत नहीं है, जैसे हलवा में रहता है उतना घी की जरूरत नहीं है। और एकदम स्लो फ्लेम में 7 to 8 मिनट तक हिलाएंगे। अच्छा, हाँ तो देखिए स्लो फ्लेम में 7 और कंटिन्यूअसली हिलाना है। कंटिन्यूअसली हिलाना नहीं है, स्लो फ्लेम में है ना। हाँ, तो ये साइड साइड में दूसरा काम भी कर सकते हैं। ओके, आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विद द लवली मॉम श्रद्धा आंटी के पास। तो आंटी ये जो रेसिपी है मिनी बाइट है। तो नॉर्मली गुजिया या बड़े होते बड़े बड़े होते हैं। हाँ। और आपको भी लगेगा कि इतने इसमें क्या टाइम बिगाड़ना। हाँ। पर उससे आधा ही टाइम बिगड़ेगा, खाने भी अच्छा लगेगा। और नॉर्मली मैंने ये भी देखा है लोग जब दिवाली पे आते हैं ना तो ऐसे आधी तोड़ के खाते हैं। तो ये तो पूरी खा सकते हैं। एक बाइट ले लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। स्टफिंग का भाई आप जरूर एक बार। और ये आपकी मॉम बनाती थी ऐसे? अच्छा, मम्मी बनाती थी। ये देखिए मिनी बाइट स्टाइल में ताकि सब आराम से खा सके। तो 7 से 8 मिनट के बाद आंटी आपने एक बैच ऑलरेडी बना रखा है। तो वो हम दिखा देते हैं आपको। तो उसको ज्यादा एकदम ब्राउन लाल करने की जरूरत नहीं है, गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो देखिए हमारी सूजी 8 से 10 मिनट में सिक गई है। तो पहले इस तरह से वाइट होती है, उसके बाद सिकने के बाद थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। और ये इतना सिकना है, देखिए ये कलर एकदम वाइट है। थोड़ा लाइट ब्राउन आ जाए तब तक सिकना है और 8 से 9 मिनट में हो जाता है। अच्छा, 8 से 9 मिनट में स्लो फ्लेम पे हो जाता तो है। तो ये हम डालेंगे इसमें, इसका मसाला करेंगे स्टफिंग का। ये खाली सूजी सिकी हुई है। ओके, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी शुगर। अच्छा, मतलब जितना है उससे हाफ चा डालेंगे। तो देखिए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट्स में जरूर बताइए। थोड़ा क्रंची टेस्ट लाने के लिए मैंने काजू, बादाम और पिस्ता उसको ड्राई रोस्ट ड्राई किया है। अच्छा, ड्राई रोस्ट करके ऐसे पाउडर बना दिया है। तो वो पाउडर अच्छे से डालेंगे। अच्छा, ड्राई रोस्ट करके आंटी फिर उसका पाउडर हम कर देंगे। वेरी नाइस। और ये किशमिश है उसको मैं काट कर दिया है। वो भी मिक्स करेंगे। फ्लेवर के लिए हम डालेंगे थोड़ी इलायची पाउडर। इसमें काफी तरह के स्टफिंग बनाते हैं पर ये स्टफिंग बहुत अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल है और आसानी से भी बन जाता है यहाँ पर। तो ये हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। अब हम ऊपर का लेयर यानी कि आटा बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है, ये बीच बीच में हलाते जाएंगे। ओके, हम चलते हैं हमारे आटे की तरफ ऊपर के लेयर का। तो उसके लिए हमें मैदा लेना है। मैदा में हम थोड़ा बैलेंस करने के लिए पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे और थोड़ा घी। ज्यादा ऐसे डालना नहीं है, थोड़ा ही डालेंगे और इसका आटा बनाएंगे। और नॉर्मल पानी से? नॉर्मल पानी से बनाना है। और कैसी कंसिस्टेंसी का बनाना है? और इस कंसिस्टेंसी रोटी से थोड़ा हार्ड और पराठा से थोड़ा ढीला। अच्छा, तो मीडियम का, मतलब मीडियम का बनाना है। अभी देखिए यहाँ पे हमारा आटा रेडी है। अब क्या करेंगे? आटा रेडी है ना, अब इसका हम लुई बनाएंगे। पहले थोड़ी प्रिपरेशन हो जाती है ना तो बनाने में बहुत आसान है। बस ऐसे लुई करके एक सेम टू सेम शेप चाहिए तो इस तरह से कर लेंगे। कट करके ये लुई बना लो, इसका गोला बना दो। एक एक का? हाँ, गोला बना के ऐसे बेल दो। बेलना भी बहुत बड़ा करके, छोटा छोटा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इधर उधर शेप हो गया तो चलेगा, राउंड नहीं होगा तो भी चलता है। बस दो बेलन लगाओ और ये हो गया हमारा। और इसको इस तरह करेंगे, थोड़ा बना के
थोड़ा पानी डाल के, पानी डालने से सील हो जाता है, तो पानी डाल के ये स्टफिंग डाल। तो देखिए अब स्टफिंग हम यहाँ पर डाल रहे हैं। आप क्या दिवाली पे बनाते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्टफिंग डाल के इस तरह से हम कवर कर लेंगे। देखो एकदम अच्छे से हो गया। और ये इसको हम कांगरी, गुजराती में कांगरी बोलते हैं। कांगरी, कांगरी। अच्छा अंडी। इसको प्रेस करो, फोल्ड करो, प्रेस करो, फोल्ड करो ऐसे। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये देखिएगा, ये देखिए आंटी कैसे प्रेस कर रही है, फोल्ड कर रही है। तो देखिए ये होता है, इसलिए इसको देखिए, इसको घूघरा बुलाया जाता है। गुजरात की ये स्पेशल रेसिपी है जो आंटी की मम्मी बनाया करती थी। नॉर्मली जब बड़ी बनती है ना तो बहुत ऐसे लगता है आधा ही खाते हैं, गिल्ट फ्री। आप गिल्ट फ्री होके खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। ये हमें हेरिटेज रेसिपी यहाँ पे मिली है, यहाँ पे आंटी की मम्मी बनाती थी। और ये भगवान जी को भोग लगाने में भी अच्छा लगता है, छोटे छोटे पीस। ये गुजरात की स्पेशल है, ट्रेडिशनल स्वीट है जो आंटी अपनी स्टाइल में हमें आज सिखाएंगी। तो हमारा मीडियम तेल गरम था आंटी, मीडियम गरम था। हाँ? और हमने डाल दिया और अब एकदम स्लो कर दिया है। अच्छा, स्लो फ्लेम पे इसको सिकने देंगे, थोड़ा तेल ऊपर ना आ जाए और थोड़ा गोल्डन ब्राउन ना आ जाए, हम ऐसे ही सिकने देंगे बिना हिलाए। ओके, बिना हिलाए, तो ये टिप्स याद रखिएगा। अब थोड़ा ये हिलाएंगे उसको। अच्छा, थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया ना। अच्छा, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ दिवाली की क्या रेसिपी बनती है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वो भी अभी इसको भी मीडियम स्लो फ्लेम पे सेकना होता है ना। पे रख दिया है गैस, मीडियम फ्लेम पे हमने गरम कर दिया था। हाँ हाँ, पर तलना है स्लो फ्लेम। देखिए साइज देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मिनी, इसको मिनी वन बाइट घूघरा बोलते हैं। हाँ, और ये और एक इसमें है कि कम तेल में बन जाता है। अगर बड़े बड़े घूघरा हो गए तो आपको तेल भी बहुत ज्यादा डालना पड़ता है। ये इतना ही तेल में कम करना है और ये हमारा घूघरा रेडी हो गया है। मैं निकाल लूंगी और बाकी की आई। भगवान जी को भोग लगाने में भी अच्छा लगता है, छोटे छोटे पीस, और गिफ्ट आइटम में भी अच्छा लगता है। तल के मीडियम फ्लेम पे इसको सिकने दीजिए और ये सिक के इस तरह से गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन आ जाएगी। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। मेरी मम्मी ने सिखाया है और हमारे यहाँ दिवाली से पहले ही दिवाली हो जाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी और मैं सबके घर में बनाने जाते थे। अच्छा, आप सबके घर में बनाते? मम्मी का बहुत ही अच्छा बनता था। हाँ। तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के घर बनाने जाते थे तो बाद में दावत हो जाती थी, पापा को भी उधर बुला लेते थे फैमिली को, और रात को भी दिवाली जैसे ही माहौल होता था। हाँ, और कितना मजा आता था ना। तो देखिए पुरानी यादें याद करिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। मिलेंगे दोबारा, बाय बाय एवरीवन।